हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, ये सवाल मैंने कल की वीडियो में आपसे पूछा था और बिल्कुल सही जवाब सारे के सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे सवाल था कि 10 छात्रों की संख्या में राहुल का स्थान ऊपर से पांचवा है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा और बहुत सारे लोगों ने दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबको थैंक यू और नीचे में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों आज का है कि एक रुमाल का एक कोना काट लिया जाता है, ठीक है, तो उस रुमाल में कुल कितने कोने बचे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका रुमाल, ठीक है, इसका एक कोना काट लिया जाता है। अब चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे करके और ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने कोने बचे। 1 2 3 4 5, टोटल दोस्तों 5 कोने बचे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है कि बी का पुत्र ए है, ठीक है, ये बी हो गया, है ना, इसका पुत्र है ए, हो गया, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, लेकिन पुत्र तो दोस्तों है ए, लेकिन इसका पिता नहीं है बी, तो बी क्या है। अब बी पिता तो हो नहीं सकता, तो दोस्तों इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो पिता होगा नहीं तो माता होगा। माता भी अपने बेटों को पुत्र या पुत्री कहती है और पिता कहता है, तो ये हो जाएगी माता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है यहाँ पे कि एक आरेख बनाइए जो महिला माता और बहन के बीच में संबंध दर्शाता हो। महिला माता और बहन, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बना दिया महिला का, ठीक है, महिला हो गया, और माता और बहन, अब ये माता हो गई, ये बहन हो गई, है ना, लेकिन दोस्तों माता बहन भी हो सकती है और बहन माता भी हो सकती है ना, तो इसको क्या करेंगे कि इंटरसेक्ट कर देंगे, ये माता हो गया और ये बहन होगा, इसको थोड़ा थोड़ा आपको ये मैच करेगा, यानी कि माता, कुछ माताएं बहन भी हो सकती है और कुछ बहन माता भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों इस तरीके का आपका डायग्राम ये बनेगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों सवाल है यहाँ पे कि यदि 3+8=17 हो और 4+9=25 हो तो 5+10 = क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 3+8=17 है, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, तो 3+8=17 हो गया। यहाँ पे पहली संख्या को क्या किया है दोस्तों कि स्क्वायर कर दिया है, तो 3² + 8 यानी कि 9, 8, 17। यहाँ पे 4 को स्क्वायर कर दिया, 16+9 हो गया, 16, 9 आपको 26 नहीं 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला आप देखते हैं क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 25+10 यानी कि 35 होगा ना, 5² + 10 कीजिएगा तो 25+10=35, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला है कि 14+3=2 है, 18+4=5 है, तो 62+6 = क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि 14+3=2, तो 14 में 1 है और 4 है, इनको दोनों को जोड़ दिया, 1 और 4 को जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, ये हो गया 5, तो 5 हो गया ना, तो 5 में से ये 3 घटा दिया, 2 आ गया। सेम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये 1 और 8 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में से 4 घटा दिया, 5 हो गया। अब ये 62 है ना, 6+2 यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ गया, 8 हो गया, 8 में से 6 घटा देंगे, ये वाला 6, तो 8 में से 6 गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि एक गणरिये के पास 17 भेड़ें थी, ठीक है, एक गणरिया है, उसके पास 17 भेड़ है, 9 को छोड़कर सभी मर जाती है, तो अब कितनी भेड़ शेष है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 9 को छोड़ करके सभी मर जाती है, तो कितनी भेड़ें शेष है यहाँ पे, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि 9 को छोड़कर बोल रहा है, तो ये जो 9 है यही तो दोस्तों जिंदा रहेंगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कि 9 भेड़ शेष रहेंगी। अब अगला देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि 30 कौवे एक पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है, 30 कौवे एक पेड़ पर बैठे हैं, इनमें से एक को गोली मारकर गिरा दिया जाता है, तो पेड़ पर कितने कौवे शेष बचेंगे। एक पेड़ है ना, इस पर 30 कौवे बैठे हैं, ठीक है, और एक को गोली मार करके गिरा दिया जाता है, कितने बचेंगे। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब गोली मारा जाएगा दोस्तों तो जितने कौवे बैठे थे वो भी उड़ के डर के भाग जाएंगे, वो बैठेंगे नहीं, गोली की आवाज़ सुन करके जो कौवे बचे हुए हैं वो भी उड़ करके भाग जाएंगे, तो यहाँ पे एक भी कौवे आपको पेड़ पे नहीं दिखाई देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है दोस्तों, ये सवाल मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि एक कुएं में 10 मेढक हैं, ठीक है, 10 मेढक है ना, इनमें से 2 मर गए, तो कितने शेष बचेंगे, आपको इसका जवाब जरूर देना है। नीचे स्क्रॉल कीजिए,
कमेंट बॉक्स में जाइए और राइट आंसर का हम इंतजार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।